वसंत पंचमी का दिन विद्या की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा के बाद ही विद्या आरंभ करते हैं। ऐसा करने पर माँ प्रसन्न होती हैं और बुद्धिमान तथा विवेकशील बनने का आशीर्वाद देती हैं। विद्यार्थी के लिए माँ सरस्वती का स्थान सबसे पहले होता है। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गईं और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगीं। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को आपकी पूजा करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। सृष्टि निर्माण के लिए मूल प्रकृति के 5 रूपों में से सरस्वती एक हैं, जो बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। वसंत पंचमी का अवसर इस देवी को पूजने के लिए पूरे वर्ष में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस काल में धरती जो रूप धारण करती है वह सुंदरतम होता है। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिटका दिया। इससे सारी धरती हरियाली से आच्छादित हो गई और साथ ही देवी सरस्वती का उद्भव हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वीड़ा और पुस्तक से इस सृष्टि को अलौकित करें। तभी से देवी सरस्वती के वीड़ा से झंकृत संगीत में प्रकृति विहंगम नृत्य करने लगती है। देवी के ज्ञान का प्रकाश पूरी धरा को प्रकाशमान करता है। जिस तरह सारे देवों और ईश्वरों में जो स्थान श्री कृष्ण का है, वही स्थान ऋतुओं में वसंत का है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। तो ये थी वसंत पंचमी की कथा जो हमें पुराणों से मिलती है। इस तरह की अनेक कथाएं हम आपको सुनाएंगे, तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, ताकि इस तरह की जानकारियां हम और आप सब तक पहुंचा सकें। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।